अब खबर है गोनपिपरी तहसील से, जहां तहसील के धाबा गांव में प्रसिद्ध जागृत श्री संत परमहंस कोंडैया महाराज देवस्थान के दान पेटी से चोरी होने का मामला प्रकाश में आया, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। महाराष्ट्र तेलंगाना के लाखों भक्तों के आराध्य देवत के रूप में श्री संत परमहंस कोंडैया महाराज देवस्थान के दान पेटी को चोरों ने फोड़ दिया है और यह मंदिर एक जागृत मंदिर के रूप में पूजा जाता है और यह चंद्रपुर जिले के गुंडपिपरी तहसील के धाबा गांव में है। देश भर में मार्च महीने से कोरोना के संक्रमण के चलते धार्मिक स्थल बंद रखे गए थे और वहीं सोमवार से सरकार द्वारा नियमों का पालन कर सर्वधर्मीय धार्मिक स्थलों को शुरू करने का निर्णय दिया गया और जिसको लेकर नागरिकों में खुशी व्याप्त थी। मगर आज सुबह जब परमहंस संत कोंडैया महाराज के सम्मेलन की शुरुआत होने वाली थी और उसी के निमित्त जब ट्रस्टी तथा भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्हें मंदिर की दान पेटी टूटी हुई दिखाई थी। गौरतलब है चोरी करते समय चोरों ने सीसीटीवी कैमरे पर बोरे ढक दिए थे और केबल कनेक्शन भी तोड़ दिया था और सुबह पूजा अर्चना करने के लिए जब भक्त मंदिर में गए तब यह घटना प्रकाश में आई। इस घटना से पूरे धाबा गांव में खलबली मच गई है और इस संबंध में संस्था ने चोरी होने की शिकायत धाबा पुलिस स्टेशन में की है। सीसीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट। धाबा येथील श्री क्षेत्र कोंडैया महाराज संस्थानच्या मंदिर समाधीस्थळात काल अज्ञात इसमांनी मंदिराची गाभाऱ्यातल्या समोरच्या भागातली दानपेटी तोडून रक्कम लंपास केल्याचं निदर्शनास आज सकाळी आरतीच्या वेळेला आमच्या निदर्शनास आलेलं आणि असा प्रकार इथे दोन तीनदा याआधीसुद्धा घडण्याचा प्रकार झाला, त्यामुळे संस्थांनी तिथे सीसीटीव्हीचे सुद्धा प्रयोजन केले होते पण त्या चोरटा इतका म्हणजे शातीर म्हणावा की त्यांनी सीसीटीव्हीची अक्षरशः वायरिंग कट करून संबंधित दानपेटीवर डल्ला मारलेला आहे। त्याकरिता याची वरिष्ठांनी ताबडतोब पोलीस विभागाने चौकशी करावी व त्याला जेरबंद करावं अशी संस्थांच्या विश्वस्त मंडळाची मागणी आहे।